हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, जो कि बीसीए सेकेंड सेमेस्टर का हम 2018 का पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला सेक्शन ए हम डिस्कस करेंगे, जो कि 3.5 मार्क्स के क्वेश्चन में होते हैं। ओके, जो 3.5 मार्क्स के क्वेश्चन में होते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, व्हाट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो जैसे कि आप पढ़ेंगे, तो जैसे कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है, मैं आपको स्क्रीन पे आपको सोल्यूशन दिख रहा हूँ अच्छे से। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इट इज एज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फेयर लॉन्ग टाइम टू कम, दैट इज फॉर अ इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। मेन जो भी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि ये कंसेप्ट बोलता है कि जो भी बिजनेस हो वो लंबे समय के लिए चले। ओके, बस आम समय पर यही समझ लीजिए, और भी देख लीजिए सोल्यूशन आपको लिखा हुआ है। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ, जो कि हमारा है, ड्रॉ अ बैलेंस शीट विथ इमेजिनरी फिगर्स। बैलेंस शीट मैं आपको डिस्कस कर यहाँ दिखाता हूँ आंसर इसका। ओके, तो देखते हैं इमेजिनरी फिगर इसका। इमेजिनरी फिगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर अच्छे से, दिख रहा है ना? तो देखिए, लाइबिलिटीज एसेट्स, यहाँ अमाउंट, ये हमारा इमेजिनरी फिगर है। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, ये काफ़ी पूछा गया हमारा क्वेश्चन। ये BEP, इसको BEP शॉर्ट में बोलते हैं, जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ओके, तो ब्रेक इवन पॉइंट आपको दिया हुआ है यहाँ पर, मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। BEP करने का फॉर्मूला ये है, फाइंड करने का फॉर्मूला, फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हियर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन क्या हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ द वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेट, कैसे वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट होता है। तो वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, जो करंट एसेट होता है उसमें से करंट लाइबिलिटीज को हम लोग माइनस करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। ओके, आपको सोल्यूशन से दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है, लास्ट सेक्शन ए का क्वेश्चन, जो 3.5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो उसका लास्ट क्वेश्चन है। तो ये है एक्सप्लेन द टर्म पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस, तो आपको सोल्यूशन से दिख रहा होगा। गाइस, आपने अगर मेरे वीडियो को अगर शेयर नहीं किया अपने दोस्तों में, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है हमें वीडियो बनाने में। ओके, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ, जो कि सेक्शन बी का है। ओके, सेक्शन बी का क्वेश्चन से दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जो कि 7.5 मार्क्स के मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था 2018 के पेपर में, तो देखते हैं, व्हाट इज डबल इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग गिव्स द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आपको जैसे कि सोल्यूशन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, द प्रोसेस बाय विच द डुअल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इज नोन एज डबल एंट्री बुक कीपिंग। जो हम बुक कीपिंग बोलते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग बोलते हैं। इसका फीचर्स देख लीजिए, अच्छे से दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और भी सोल्यूशन देखते हैं इसका, रूल्स फॉर डबल एंट्री सिस्टम। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ओके, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ, जो कि हमारा है, क्वेश्चन अच्छे से लिख रहा होगा। अब गाइस, एक काम कर सकते हैं, आप मेरे वीडियो को पॉज करके या स्क्रीन शॉट लेकर आप अपने नोट बुक में लिख सकते हैं इसको, इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा और क्वेश्चन को का सोल्यूशन लिखने में आपको काफ़ी हेल्प होगा, आप इसे रिमेंबर भी कर पाएंगे इसको लॉन्ग टाइम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन पूछा गया था, व्हाट इज रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। मीनिंग ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट आपको मैं दिखा दिया स्क्रीन पर, दिख रहा हुआ अच्छे से, सोल्यूशन आप सकते लिख सकते हैं। ओके, मतलब आप रीड भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा। ये है हमारा फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर एट हमारा है, देखिए, कंपनी हैज इशूड 100,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एज फुली पेड ऑफ, इट हैज अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 आफ्टर टैक्स, द मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर इज ₹160 पर शेयर, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर टैक्स अज्यूमिंग अ टैक्स रेट 50%। ओके, सबसे पहले हम जो दिया वो उसको लिख लेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारा कितना है 1000 एडिटेड ऑफ 100
ईच. ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है हमारा 10,000, टैक्स रेट कितना है हमारा 50%, मार्केट प्राइस कितना है हमारा 160 है मार्केट प्राइस. ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा हमारा 20,000, क्योंकि 50% था पहले. तो हमारा बिफोर टैक्स के बाद पहले कितना हो जाएगा, 50% टैक्स लगा था हमारा 10,000 हुआ, 100% हुआ था पहले. एक भी टैक्स में लगा था कितना था हमारा 20,000. चलिए एक भी हमारा टैक्स में लगा था बिफोर टैक्स. ओके, और भी देखते हैं इसमें, हम आपको दिखा हुआ इसकी अच्छे से और भी सोल्यूशन. इसका क्वेश्चन नंबर 8 का कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ दिया हुआ है RF प्लस BI ERM माइनस RF बाई ERI. ERI क्या है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर अच्छे से. एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एसेट, RF इज फ्री रेट ऑफ रिटर्न, बेटा ऑफ एसेट, एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न. तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिफोर टैक्स जो हम फाइंड करना है. ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था हमारा उसको, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी वो कितना था उसका. प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा 20,000 था और मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी कितना था 160 हमें 1,000. ओके, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,60,000 हो जाएगा हमारा, और उसको हम डिवाइड करेंगे इससे 0.00 कैंसिल हो जाएगा, इसका हमारा सोल्यूशन आएगा 0.125. ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स हमारा कितना था 10,000. ओके, आफ्टर टैक्स हो गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ आफ्टर टैक्स तब जाके होगा 0.065. क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, और ये क्वेश्चन हमारे 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं जो सेक्शन सी के क्वेश्चन होते हैं. ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, व्हाट इज मीन बाय कैपिटलाइजेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, इज इट डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल स्ट्रक्चर. अगर आपको अच्छा लगे मेरा सोल्यूशन देखने का तरीका तो प्लीज़ कमेंट बताइएगा, और मेरा हैंड राइटिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बताइएगा. तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हम, राइट अ डिटेल नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग. ठीक है, डिटेल नोट लिखना है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, जो हम ऐप यूज़ करते हैं उसका अकाउंट में क्या जरूरी है उस पर हम लोग को नोट लिखना है. तो ये आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, आपको आइडिया भी होगा तो आप लिख सकते हैं. मैं आपको सोल्यूशन कुछ दिखा देता हूँ, आपको इससे हेल्प मिलेगा, आप उसको रीड भी कर लेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा. ये देख लीजिए, आपको अच्छे से दिख रहा होगा स्क्रीन पे. काफ़ी आजकल टैली जो है यूज़ होता है, बिजी हो गया काफ़ी आजकल, टैली तो काफ़ी यूज़ होता ही है, आप नाम सुनेंगे. ये सब एप्लीकेशन है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं ना अकाउंटिंग में. आपको सोल्यूशन से देख रहा होगा, और भी देखते हैं और भी हमारा क्या क्या है. आपको सोल्यूशन आपको अच्छे से स्क्रीन पर दिख रहा होगा. एक बार और मैं बता देता हूँ आपको कि आप मेरे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कॉपी पे या नोटबुक पे आप इसे के सोल्यूशन लिख सकते हैं, इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा, आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए रिमेंबर कर सकते हैं. ओके गाइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, फाइनेंस इज द लाइफ ऑफ इंडस्ट्री, इलुसिडेट दिस स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल. मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ. यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू दैट फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ इंडस्ट्री, इट फ्लोज फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट फ्लोज आउट ऑफ फ्रॉम मीटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर. आपको सोल्यूशन दिख रहा होगा अच्छे से स्क्रीन पर, आप देख लें और इसे रीड कर लिया अपने कॉपी पर लिख लें. फिर पढ़ते हैं और भी सोल्यूशन को देखते हैं. ये देख लीजिए,
फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ई ओ क्यू बोलते हैं लोग, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर. कंजप्शन ऑफ मटेरियल फॉर पर एनम 10,000 केजीज. कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर इज ₹25. कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर केजी इज